तो सर उस पर ना जाते हुए हम सर स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कि रक्त की जो उत्पत्ति है, मतलब रक्त ये वर्ड और उसकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए सर। सबसे पहले तो आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग जय सुश्रुत लिख रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से जय सुश्रुत। अभी रक्त की बात है, सुश्रुत का सबसे फेवरेट टॉपिक धातु दोष जो भी बोलो वो रक्त रहा है हमेशा ही, इसीलिए मेरा भी फेवरेट रहा है। ये टॉपिक भी चूज किया गया बहुत डिस्कशन के बाद, और आज उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। जो सवाल है कि जी रक्त की उत्पत्ति, तो उसके बारे में देखेंगे कि दो तरह से अलग अलग तरह से हम उसे समझ सकते हैं। जी ऑडियो डिस्टर्बेंस बोल रहे हैं कोई कमेंट में, सबको ऑडिबल है क्या? थोड़ा सा बीच में कट हो रहा है सर ऑडियो। अभी क्लियर है लेकिन बीच में कभी कभी थोड़ा सा कट हो रहा है। कमेंट कर दीजिएगा का जो कुछ भी अगर मिस हो रहा है तो। जी अभी दो तरीके से हम हर एक धातु की उत्पत्ति समझते हैं। सबसे पहले तो जो पदार्थ विज्ञान में आई है उसके बारे में हम बात करें, तो पदार्थ विज्ञान में अव्यक्त महत्व वाली जो हम पढ़ते हैं वो एक है जो कि आयुर्वेद के समर्थन के साथ है। दूसरी होती है वेदांत के, तो जो होती है जिसमें होते हैं पंचकोशिकीय, उसमें होते हैं आनंदमय कोश, फिर आता है विज्ञानमय कोश जो कि तन्मात्रा और मन और ज्ञानेंद्रिय के साथ उत्पन्न होते, जब उत्पन्न होते हैं तो होता है विज्ञानमय कोश, उसके ऊपर कवर करके होता है मनोमय कोश। आवाज ब्रेक हो रहा है सर आपका। हेलो, अभी जी जी बोलिए सर। मुझे लगता है साउंड का डिस्टरबेंस रहे, मैं हेडफोन लगा लूं क्या? जी सर कनेक्ट कर लीजिए हेडफोन। खोलो। मतलब बीच बीच में थोड़ा सा इको जैसा आवाज आ रहा है, जैसे हमारे व्यूअर ने कमेंट भी किया है इको हो रहा है वो वॉइस। हेलो, जी सर अभी हेलो, जी आवाज आ रहा है सर। अभी ठीक है? जी एकदम बराबर। फिर से शुरू करते हैं। जो वेदांत के समर्थन के जी साथ रक्त की उत्पत्ति की बात आती है जी उसमें ऐसे होता है कि जो सृष्टि उत्पत्ति होती है उसके साथ ही सबसे पहले सबसे सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है आनंदमय कोश, जो कि जी आत्मा वाला, जो क्योंकि आत्मा परमात्मा वही आनंद की बात जैसे करते हैं वही, तो आनंदमय कोश। उसके ऊपर रहता है विज्ञानमय कोश जिसमें होती है तन्मात्रा, ज्ञानेंद्रिय और उसके साथ जुड़ा हुआ होता है बुद्धि। जी सर उसके ऊपर उसको कवर करके रहता है मनोमय कोश जिसमें मन और ज्ञानेंद्रिय रहते हैं, जिसकी उत्पत्ति तन्मात्रा के साथ, आगे तन्मात्रा जो पैदा हो चुकी है, उत्पन्न हो चुकी है, उसके तन्मात्रा के सत्व अंश के साथ जुड़ने से ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति होती है, क्योंकि तन्मात्राएं जो है सॉरी ज्ञानेंद्रिय जो है वो सत्व वही काम करती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साथ। ज्ञानेंद्रिय मतलब शब्द का स्रोत, ये सब आप सभी को पता बराबर ही है, तो शब्द का श्रोत्रेंद्रिय, स्पर्श का स्पर्शनेन्द्रिय, वायु का मतलब ऐसे, तो इस तरह से ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होती है। उसके बाद उसके आगे आता है प्राणमय कोश जिसमें तन्मात्राओं का रज अंश, तो रज मतलब मूवमेंट, तो इसके लिए तन्मात्राओं का रज अंश मिलके प्राणमय कोश में मन बुद्धि आगे की सभी इंद्रिया वगैरह उसके साथ जुड़ जाते हैं कर्मेंद्रिय, तो कर पाद तल कर पाद उपस्थ पायु ये सब पंच महाभूत के साथ कर्मेंद्रिय। वैसे कर्मेंद्रिय उत्पन्न होते हैं, जी और उसी के साथ उसके आगे उसको कवर करके उसको कंट्रोल करके आगे रखता है सबसे स्थूल स्वरूप जो होता है अन्नमय कोश, जो कि कारणभूत देह है, जो कि हमारा चतुर्विंशति पुरुष है, बराबर है? तो जी अन्नमय कोश जैसे ही पैदा होता है ना, उसी को जो अन्न जिसे हम बोलते हैं वो कारण रूप है, उसी अन्न को अन्न से शुक्र और शोणित की उत्पत्ति होती है।
वही कारणभूत है इसीलिए। तो शुक्र और शोणित, मैं जरा फास्ट जा रहा हूँ, ये सब चीजें समझना बहुत डेप्थ में है, इसे थोड़ा सर वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है, वीडियो हमारा रिकॉर्ड होने वाला है, फिर से लोग देख लेंगे एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप बोलिए। क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है, मैं बहुत ही फास्ट जा रहा हूँ, ये सब चीजें पूरा एक लेक्चर यही ले लेती है, इतना है। तो अन्नमय कोश जो है उसी से शुक्र और शोणित उत्पन्न होते हैं, शुक्र शोणित के संयोग से हमारा चतुर्विंशतिक पुरुष या फिर जो चिकित्सा पुरुष है वो पैदा होता है, उसी के साथ सभी धातुएं। तो रक्त की उत्पत्ति इस तरह से हम सृष्टि उत्पत्ति क्रम से समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है जिसमें रस से लेके शुक्र पर्यंत हम समझते हैं वो होता है, तो धातु, जो भी धातु दूसरी धातु में कन्वर्ट होती है या फिर एक धातु में से धातु परिणमन जैसे हम न्याय समझते हैं, उसी तरह से चारों न्याय के हिसाब से रस में से जब रक्त उत्पन्न होता है, आहार रस, उसके बाद उसके ऊपर रस धातुवाग्नि का काम, रस धातुवाग्नि में से रस, और रस के साथ जो कुछ होता है, हम आगे रस से आगे की बात करेंगे, वो भी बहुत स्थूल है। रस में से जो कन्वर्जन होता है उसके ऊपर, उसमें से दो भाग होते हैं, एक होता है स्थूल और दूसरा होता है सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग जो होता है वो ज्यादातर रस के रिलेटेड होता है, उसमें से ही रस धातुवाग्नि का कर्म होके उसी में से उपधातु और मल बनेगा, और सूक्ष्म भाग जो होता है जो कि उत्तरोत्तर उत्तर धातु का पोषक अंश कैरी करता है और उसी में से मल बनता है, बराबर है। तो उसमें से रक्त रस धातुवाग्नि का काम होके रक्त का पोषक अंश और आगे का उसका मल वो बनेगा, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। हाँ, रक्त का जो पोषक अंश है उसके ऊपर रक्त धातुवाग्नि काम करेगा और रक्त धातु बनेगा और उसमें से रक्त का मल पित्त बनेगा, और दूसरा वही वैसे ही स्थूल और सूक्ष्म भाग, उसमें से सार भाग में से धातु और उपधातु और किट भाग जो बनेगा उसमें से मल बनेगा। तो इस तरह से रस में से रक्त की उत्पत्ति होती है जी सर, और बाकी की सभी उपधातुए। ये तो सर हमने देख लिया उत्पत्ति के बारे में, मतलब दो टाइप से आपने बताया, एक सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत जैसे शुक्र शोणित जीव संयोग वो बताया है, और दूसरा रस से रक्त उत्तर उत्तर धातु की उत्पत्ति जैसे बताया है सर। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ऐसा था कि रस रस जैसे धातु में आता है तो उसको हम दोष नहीं बोलते, लेकिन रक्त सुश्रुत जी ने दोष भी बोला है, तो सर रक्त दोष है कि धातु है? रक्त धातु है जी, सुश्रुत की बात की जाए तो वो मिसकंसेप्ट है टीकाओं की वजह से और ट्रांसलेशन की वजह से। सुश्रुत ने कहीं कहीं जगहों पर रक्त को दोष का स्वरूप दिया है। पहली बात तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि दोष किसे बोलते हैं, धातु किसे बोलते हैं। दूषयन्ति इति दोषा, जो दूषित करे, बराबर है, जो दूषित करे उसी को हम दोष बोलेंगे, दोष के। और धारणात इति धातव, धातव जो धारण करे उसी को हम धातु बोलेंगे, बराबर है। तो रक्त की बात जब आती है तो रक्त जो है वो धारण कर्म करता है, उसका कर्म है जीव, जीवन देना, बराबर है, तो वो धारण करता है, तो इसलिए रक्त हर जगह पे धातु के स्वरूप में आया। रही बात सुश्रुत के उस रेफरेंस की जिसकी वजह से हमें मिसकंसेप्ट है कि रक्त को दोष बोला गया, तो वो एक जो जहां पे रेफरेंस है रस रक्त को दोष बोलने का, वो इसीलिए है क्योंकि रक्त एकमेव एकमात्र ऐसी धातु है जो कि दूसरी धातुओं को बिगाड़ सकती है, बराबर। इसके अलावा कोई ऐसी धातु नहीं है जो दूसरी धातु को बिगाड़े, बराबर है। तो रस पहले बनता है, सबसे पहले रस जो बनता है वो अगर ठीक हुआ या फिर उसमें कुछ मलिनता आ गई या फिर वो बिगड़ा है तो वो उसके आगे की धातुओं को बिगाड़ेगा नहीं, पर अगर रक्त बिगड़ चुका जी तो उसके उत्तरोत्तर जितनी भी धातु है उन सभी को रक्त बिगाड़ेगा। इसीलिए रक्त को उसी के कंटेक्स्ट में सुश्रुत ने दोष की संज्ञा दी है, मतलब इंपोर्टेंस दिया है उतना। हाँ, उतना इंपोर्टेंस दिया है, बाकी रक्त धातु ही है जी। और सर उसमें रक्त के कुछ सिनोनिम भी देखते हैं हम संहिताओं में, शोणित, अश्रुग, लोहित, रुधिर, तो उनके अलग अलग कुछ मीनिंग होते हैं क्या सर? हाँ,
जैसे आप पूरे संहिताओं के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना शुरू करते हैं ना, तो जहां जहां पे भी जो जो भी वर्ड्स आते हैं ना, उन सभी के अलग अलग मीनिंग होते हैं। आप मुझे एक 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 करके जो भी मीनिंग आपके पास, मतलब सिनोनिम आपके पास है वो बताइए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको मीनिंग। तो रक्त का आ गया, एक तो रक्त का आ गया, रक्त रक्तम इति जीव स्थिति, रक्त जो है वो जीवनदायक धातु के स्वरूप में, जहां जहां भी रक्त आया है वो धातु स्वरूप रक्त की बात है वहां। फिर है शोणित, शोणित, शोणित जो है ना वो समवाय कारक शब्द है, शोण श्रुणु धातु से वो बना हुआ है। तो शोणित जहां पे है वहां पे वो रक्त के कुछ उत्पत्ति कारक की तरह से समझना है। जहां जहां पे भी शोणित शब्द है ना, वो उसका मतलब यह होता है कि रक्त अपने खुद के स्वरूप, रक्त का स्वरूप प्रवाही है, लिक्विड है, वो खुद का स्वरूप थोड़ा सा छोड़ के, वो घनीभूत थोड़ा सा होके कुछ नया बनाने वाला है, कुछ नया जन्म करने वाला है, बराबर है। तो रक्त में से जैसे ही मांस धातु बनती है ना, उस तरह से उस एग्जाम्पल से आप समझो, तो रक्त में से रक्त का जो सूक्ष्म भाग, सार भाग जो जाएगा, सूक्ष्म भाग जो कि बाकी की धातु को पोषित करेगा या फिर नई धातु फॉर्म करेगा, तो रक्त लिक्विड है, उसमें से थोड़ा सा घनीभूत अगर हो, जेली जैसा स्ट्रक्चर बने और वो मांस को पैदा करे, मांस धातु थोर है, ठोस है, कठिन है, तो वो जब बनाती है ना, तो वो जो रक्त का स्वरूप है वो रक्त धातु ही, पर उसमें से अब मांस बनने वाला है, तब उसे शोणित की संज्ञा दी जाएगी। इसका रेफरेंस मैं देता हूं, शुक्र शोणित संयोग हेतु, शुक्र और शोणित, शोणित शब्द आया वहां पे, रक्त या दूसरा कोई शब्द नहीं है, तो जहां जहां भी शोणित शब्द है ना वहां पे वो कुछ नया उत्पन्न करने वाला होगा, तब उस रक्त को, ऐसे रक्त को शोणित, शोणित स्थापन गण, राइट, बराबर है। तो वैसे वहां पर शोणित शब्द आएगा। तो जैसे गर्भ के फॉर्मेशन में जो दिया है शुक्र शोणित संयोगे तू खलु कुक्षी गते गर्भ सद्या भवती, तो वहां पे ये शोणित रेफरेंस लिया है उन्होंने, यही यही रेफरेंस है, इसीलिए वहां पे शोणित है, क्योंकि आर्तव की बात हुई तो शुक्र आर्तव ऐसे भी बोल सकते थे, पर ये नहीं बोला है, वहां पे शुक्र शोणित संयोगे तू बोला है, बराबर सर। दूसरा जो सिनोनिम है सर अश्रुग सिनोनिम है रक्त का, अश्रुग, वो नाम श्रु धातु से बना है, मतलब सरण, मतलब गत्यात्मक स्वरूप, रक्त का गत्यात्मक स्वरूप, वो ज्यादातर मलिन जब रक्त होगा, धातु रूप नहीं पर मलिन रक्त, जिसका सरण होता रहेगा या जो बहता रहेगा उसी को अश्रुग बोलेंगे, जैसे कि अश्रुग दर बोलते हैं हम, अश्रुग दर, उसको ये संज्ञा इसीलिए दी गई है कि वो अश्रुग दर, वो रक्त जो बहता है वो मलिन है और सरण होता रहता है, इसलिए उसे अश्रुग बोलते हैं। तो जहां पे भी अश्रुग शब्द संहिता में है वहां ये तात्पर्य लेना है कि वो गत्यात्मक रक्त का स्वरूप है जो कि मलिन भी है, दोषिक है, राइट। और एक सिनोनिम आता है सर लोहित, लोहित जो यूजुअली मतलब स्वरूपात्मक है, उसे हम बताएंगे कि प्रमाण उसका नॉर्मल है, उसका कलर नॉर्मल है, उसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल है, प्राकृत गंध है, लोहित गंधी रक्त पित्त में हम बोलते हैं उसे, अलग अलग तरीके से देखेंगे वो लोह गंधी बताते हैं, पर यहाँ पे जो रक्त का जो बात है वो लोहित है जी, बराबर है। तो वो लोहित जो है वो प्राकृत रंग और वर्ण और गंध ये दर्शाएगा जी सर। और जो चौथा सिनोनिम है सर रुधिर, रुधिर बोलते हैं रक्त को, उसमें ध धारण समवाय संबंध से धारण, तो मतलब रुधिर ध शब्द बीच में आया है वो धारण दर्शाता है जी, तो उस शब्द का मतलब होता है पूरे शरीर को धारण करने वाला जो रुधिर है, पूरे शरीर में बहने वाला और शरीर को धारण करने वाला जो है उसे हम रुधिर बोलेंगे जी सर। तो सर ये यूजुअली क्वांटिटी प्रमाणवाचक, जब भी रुधिर शब्द आएगा ना वहां पे
वृद्धि क्षय या फिर कुछ बढ़ा होगा, रक्त के प्रमाण में कुछ बढ़ा घटा होगा, तभी रुधिर शब्द यूजुअली आएगा। अच्छा, तो सर ये हमने उत्पत्ति और सिनोनिम के बारे में देखा रक्त के। एक सर प्रैक्टिकली हम जब देखते हैं जो रक्तज रोगों के हेतु और संप्राप्ति के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। रक्तज रोगों की अलग से संप्राप्ति और अलग हेतु भी दिए गए हैं, पर सबसे पहले हम हेतु की बात करें तो मैंने शायद पहले बताया हुआ है पर फिर से एक बार बता देता हूं कि हर एक व्याधि की उत्पत्ति में दो तरह से उसके कारण रहते हैं, सन्निकृष्ट हेतु विप्रकृष्ट और विप्रकृष्ट। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सामान्य हेतु और विशेष हेतु। जी सर। जी सर आवाज आ रहा है मुझे? पॉज सर, आपका आवाज आ रहा है। ओके, सामान्य हेतु जो रहते हैं ना वो यूजुअली खवे गुणिया उत्पन्न करने का काम करते हैं, वो कोई व्याधि उत्पन्न नहीं करते। सामान्य हेतु हमेशा ही खवे गुणिया मतलब धातुओं का शैथिल्य करेंगे, और दूसरे जो होते हैं वो विशेष होते हैं, विशेष निदान या विशेष हेतु, वो धातु उत्पन्न करेंगे मतलब यत्र संघ खवे गुणिया व्याधि तत्व उपजाते, ये बात तो हमें पता है, पर वहां पे खवे गुणिया हुआ कैसे? तो वो पहले सामान्य निदान जो सामान्य हेतु का सेवन आप करते हो तब होते हैं। तो रक्त की बात करें कि या रक्त की संप्राप्ति की बात करें तो जितने सामान्य निदान है वो रक्त को रक्त धातु को शैथिल्य की तरफ ले जाएंगे, उसमें खवे गुणिया उत्पन्न करेंगे, और उसके बाद जब आप रक्त के या फिर किसी और दोष के या फिर किसी भी चीज के उत्पन्न रोग उत्पन्न कारक विशेष हेतुओं का सेवन करते हैं तब वो ऑलरेडी खवे गुणिया रक्त धातु में बना हुआ है और वहां पे व्याधिस्तत्र रक्त की संप्राप्ति बनके या फिर रक्त धातुगत कोई भी व्याधि उत्पन्न होता है। इसको अगर अंशांश की तरह हम समझे तो अलग अलग मतलब जो भी दोष रक्त आश्रित हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसकी रिप्रेजेंटेशन होगा और उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट भी होगा। तो मतलब वायु अगर प्रकुपित हुआ है और वायु के साथ रक्त का आश्रित, मतलब दो तरह से हम समझेंगे इसको, रक्तगतवात और रक्तावृतवात, दोनों अलग चीज है। गतत्वम जो जहां पे होता है रक्तगतवात, वहां पे सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, जहां पे रक्त नॉर्मल है रक्तगतवात, वायु बिगड़ा हुआ है और रक्त में गतत्व रक्त में स्थान संश्रित होता है, तो रक्त बिगड़ा नहीं है पर वायु बिगड़ा है तो वहां पे वायु की चिकित्सा आएगी। पर जहां पे रक्तावृतवात वहां पे दोनों बिगड़े हैं, तो दोनों जब बिगड़े हुए हैं तो दोनों की चिकित्सा आएगी, बराबर है? तो इस तरह से वायु के अंशांश आप पढ़ो तो वायु अलग अलग गुण से जब बिगड़ता है, वायु रुक्ष गुण से बिगड़ा, वायु का कोई अंश बिगड़ा क्या, या फिर वायु के कुछ पांच जो प्रकार है उसमें से कोई एक रक्त में आश्रित हुआ तो उसके अकॉर्डिंग जब ट्रीटमेंट लक्षण मिलते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट चेंज होता थी। सपोज हम एक एग्जांपल देता हूँ कि जब व्यान बिगड़ता है, यूजुअली हमें ऐसे ही डीएम आते हैं या फिर कोई ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है या फिर पेशेंट भी ऐसे मिलते हैं कि सर मुझे ब्लड प्रेशर है ट्रीटमेंट, और डॉक्टर्स भी जो रहते हैं वैद्य भी वो भी हमें यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट क्या है, सर डायबिटीज की ट्रीटमेंट क्या है, थायराइड की ट्रीटमेंट क्या है। नहीं, ये गलत है। वैद्य की तरह अगर आप सोच रहे हो ना तो आपको ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर की तरह सोचना समझना ही नहीं है, वो एक लक्षण मात्र है, उसकी संप्राप्ति आपको देखनी है। रक्त में पित्त की विकृति होती है तभी भी हाइपरटेंशन मिलेगा, रक्त में वायु की विकृति होगी तब भी हाइपरटेंशन मिलेगा, रक्त में पित्त कफ की विकृति होगी तो भी आपको हाइपरटेंशन मिलेगा। मैं आपको समझाता हूँ, रक्त में अगर वायु गया हुआ है तो ऐसी आप निदान जब पढ़ोगे देखोगे पेशेंट में तो वात प्रकोपक और रक्त दुष्टि कर निदान ज्यादा मिलेंगे, और नाड़ी में भी वायु और रक्त की नाड़ी अगर मिलती है तो ऐसे पेशेंट को आपको ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। रक्त में अगर औष्ण्य बढ़ा हुआ लगता है आपको तो ऐसे पेशेंट को आप सिर्फ शिवाक्षर पाचन या सिर्फ हिंगवास्तक चूर्ण भी देते हो तभी भी आपका
आपके रुग्ण का हाइपरटेंशन क्लियर हो जाता है, कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती है। इसी तरह अगर पित्त बिगड़ा हुआ है तो पित्त की ट्रीटमेंट करो, पित्त को कंट्रोल में लो और रक्त का प्रसादन करो। उष्णता की वजह से रक्त अपनी क्वांटिटी में बढ़ता है और जो लक्षण मिलते हैं वैसे पेशेंट में हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट पित्त की हो जाती है। ऐसे पेशेंट में आप सूतशेखर रस, कामदूदा रस, मुक्ता पिस्ती ऐसे ऐसी दवाई दो तो उनका हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा। कफ की बात करें तो जब कफ अपने गुरु गुण से या फिर और लक्षण या फिर स्निग्ध गुण से बढ़ता है तो रक्त में शिथिलता आती है, रक्त में गुरुता बढ़ती है, रक्त वाहिनी जो होती है उनकी शिथिलता की वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिस वजह से ब्लड प्रेशर आता है, ब्लड प्रेशर आता है। और ऐसे ही रुग्ण ज्यादा मिलते हैं जो अपथ्य आहार विहार अभी करते हैं और जो स्थूल होते हैं, प्रमेही होते हैं, ये सब पेशेंट जिसमें हम लिपिड प्रोफाइल ज्यादा बोलते हैं वो कफ कर है, मतलब सॉरी कफ के सिमिलर कंटेंट है। तो ऐसे पेशेंट में आपको लेखनीय औषध देने हैं, कफ को ठीक करने वाले औषध देने हैं और उसी पेशेंट में आपको व्यायाम वगैरह बोलना है जी। सभी पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट एक ही चैनल में देनी, ये आयुर्वेद का सिद्धांत कभी नहीं होता, क्योंकि संहिताकारों ने खुद बोला है पुरुषम पुरुषम विच्छे, अलग अलग है सब, अलग अलग देखने हैं, यही उसका मीनिंग नहीं है। सभी व्याधि की संप्राप्ति और सभी चिकित्सक पुरुष अलग है, उसी तरह से आपको सोचना है। रक्त में जब पित्त के अलग अलग गुण, जब तीक्ष्ण गुण बढ़ता है रक्त में, पित्त के तीक्ष्ण गुण से बढ़ता है तो वो वहां पे किसी ना किसी रक्त की वाहिनी होता है या फिर कोई जो भी सिमिलर उसके एडहेरेंट जो धातु है उसका पाचन कर देगा तो वहां पे छिद्र या व्रण बन जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो माइक्रो कैपिलरीज वो वहां पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ये सब जो जहां पे होता है तो वैसे उस जगह पे आपको पित्त की ट्रीटमेंट करनी है और वो जो रक्त बाहर आ रहा है उसी को हम स्थानगत अलग अलग देखे तो उसे रक्त पित्त बोलते हैं, अश्रुपदर बोलते हैं, रक्तज अर्श बोलते हैं, मुखपाक बोलते हैं, ऊर्ध्वक रक्त पित्त बोलते हैं। चरक तो जी ने अपने पित्त की के बारे में बताया जी, चरक जी ने विदुषोनित में बताया कि रक्त पित्त हारी क्रिया, मतलब रक्त के डिसीज की रक्त पित्त दोनों के साथ चिकित्सा करनी चाहिए दोनों के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली विदुषोनित में ही बताया है कि रक्त और पित्त साथ में ही रहते हैं, आश्रय आश्रय भाव है, इसलिए रक्त और पित्त की एक साथ ही ट्रीटमेंट करनी चाहिए जी। सर तो सर ये संप्राप्ति के बारे में आपने बताया, अगर चिकित्सा करनी है तो इसमें बहुत सारे चिकित्सा के आयाम आते हैं, उसमें रक्तमोक्षण भी आता है, तो सर उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए रक्तमोक्षण पे। रक्तमोक्षण की बात आती है ना तो रक्तमोक्षण ये एक उपक्रम है सबसे पहली बात, और सुश्रुत का जो अप्रोच रहा है हमेशा से वो शाखागत रहा है। जो ये हम सब बोलते हैं ना कि चरक ने ये बताया, सुश्रुत ने ये बताया, दोनों के अलग अलग ओपिनियन है या दोनों अलग अलग क्यों बताते हैं, ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। ये कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि हम अच्छे से संहिताओं को और संहिताकार क्या कहना चाहते हैं वो समझते नहीं है। यूजुअली क्या होता है, चरक का जो अप्रोच है वो अलग तरीके से, वो अलग उनकी अलग सोच है। जैसे कि हम अभी किसी एक बात करें, वो एक पिक्चर है जिसमें एक तरफ एक इंसान है, दूसरी तरफ उनके बीच में एक नंबर लिखा हुआ है, जो ऊपर की तरफ से उसे देख रहा है उसे वो 6 नजर आ रहे हैं और दूसरी साइड जो ऑपोजिट साइड है वो वहां से देख रहे हैं तो उनको वो 9 नजर आ रहे हैं। 9 नजर आ रहा है एट अ सेम टाइम, दोनों सही है पर दोनों का अप्रोच अलग अलग है। तो सुश्रुत और चरक में यही चीज है, चरक ने हमेशा अग्नि की बात की है, क मतलब अग्नि जी, तो चरक अग्नि से ही बात, जठराग्नि को अप्रोच करते हैं तो मतलब इसीलिए उनका निदान स्थान में सबसे पहला अध्याय जो है वो जठराग्नि के ऊपर है, वो वहां पे ज्वर निदान बताते हैं, दूसरा कोई अध्याय नहीं, ज्वर से ही बाकी की संप्राप्ति। और निदान स्थान में उन्होंने सिर्फ 8 ही अध्याय दिए हैं, वो अलग अलग तरह की संप्राप्ति के है, बराबर है। उन्होंने तो अग्नि को इंपोर्टेंस देते हुए मतलब बोला कारणम,
एग्जैक्टली पूरी संहिता उन्होंने अग्नि को सेंटर में रखते हुए बनाई है, बराबर है, क्योंकि इसी वजह से उनका अप्रोच जठराग्नि, फिर धातुआग्नि और फिर भूताग्नि की तरफ रहेगा, कि जठराग्नि मांद्य से ही सब व्याधि होते हैं, बराबर है। जब हम सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत का अप्रोच व्रण से है, वो सर्जरी की बात करते हैं, तो आप डायरेक्ट अग्नि को अप्रोच नहीं करते, आप शाखा को अप्रोच करते हैं, आप धातुओं को अप्रोच करते हैं, इसीलिए उनका अप्रोच अलग तरीके से है। वो ट्रीटमेंट की बात या रक्तमोक्षण की भी बात करें तो धातु से आप जाते हो, तो इसीलिए उनके निदान स्थान की आप अगर बात करो या फिर उनकी किसी और चीज, इसीलिए उन्होंने ज्वर को उत्तर तंत्र में दिया है जी, व्रण से उन्होंने शुरुआत की है हमेशा से ही। तो व्रण जब जैसे ही व्रण होता है तो स्किन का लेयर वगैरह जो आप समझते हो व्रणित में, जो भी इंटरलिमिटिंग कुछ होता है, मॉडर्न मुझे पता नहीं है कुछ, तो व्रण जो बनता है धातु की कंटिन्यूटी में डैमेज होना, वो व्रण है। तो सबसे पहला अप्रोच वहां पे शाखाओं से है, उसके बाद उसमें कोष्ठ का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि व्रण जब ठीक नहीं होता या फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाए या फिर शोणित मोक्ष मतलब रक्त का क्षय हो जाए, तब उसमें लेटर ऑन जठराग्नि या कोष्ठ का इन्वॉल्वमेंट आता है, इसलिए ज्वर उन्होंने एज अ कॉम्प्लिकेशन बाद में बताया हुआ है। तो इनका अप्रोच पहले से ऐसे रहा है। तो रक्त मोक्षण की जब बात आती है ना, तो रक्त मोक्षण हमें पहले तो ये समझना है कि ये करते क्यों हैं और कब करना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया और आपको दिखा कि इसमें रक्तज व्याधि है या रक्त की ट्रीटमेंट करनी है तो रक्त पित्त की चिकित्सा करो, या फिर तुरंत आया है तो सुला दो और रक्त मोक्षण कर दो, ऐसे नहीं। आपको हमेशा से देखना है और पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये रक्तज व्याधि है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बराबर है। चरक बताते हैं, सुश्रुत का एक चरक का एक रेफरेंस है कि शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षादे उपक्रमांति ये गदा सम्यक साध्या न सिद्ध्यन्ति रक्तजन तम विधावे, बराबर है। तो शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष चार उपक्रम, चरक ने छह उपक्रम दिए और सुश्रुत ने षष्ठी उपक्रम दिए जो कि व्रण के रिलेटेड बताए, चरक के चार ही छह ही उपक्रम, तो वैसे वो छह उपक्रम है ना उसमें सारी चिकित्सा आ जाती है, सूत्र स्थान में से सारी चिकित्सा मिल जाएगी। नितिन एक काम करना भाई, मैं ना कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप नोट कर लेना, मुझे पता नहीं है, ठीक है जी जी। तो चरक के जो छह उपक्रम है ना वो उपक्रम से पूरी चिकित्सा हो जाती है। तो चरक क्या बताते हैं, ये छह उपक्रम से आप पूरे सभी व्याधियों की ट्रीटमेंट कर करते हो, बराबर है। अगर उसमें से ये छह उपक्रम यूज करने के बाद भी अगर कोई व्याधि की शांति नहीं होती तो उसको रक्त व्याधि मानो और उसमें ही रक्त की ट्रीटमेंट करो, तो वहां पे आपको सुश्रुत के सिद्धांत अप्लाई करने हैं, वहां पे रक्त मोक्षण कर। अब रक्त मोक्षण के भी चार प्रकार दिए हैं, शुंग अलाबू जलोका और सिरावेधन, तो ये भी अलग अलग है, उसी के अंदर सब टाइप में प्रच्छन्न भी आ जाता है और अलग अलग तरीके से हम अभी तो अलाबू वगैरह भी करते कपिंग वगैरह भी करते हैं। तो वहां पे हरेक चीज कैसे कहां से कितना रक्त मोक्षण करेगी, जैसे बताया हुआ है कि चलो का एक हस्त प्रमाण में काम करती है, सिरावेदन सर्वदेहिक रक्त को शुद्ध करती है, ये सब जो रेफरेंस है वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, शास्त्र अभ्यास सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरह से वो रक्त मोक्षण का कौन सा प्रकार, जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल दूं मैं, प्रच्छन्न जो हम करते हैं ना वहां से स्थानगत लोकल जो एक जगह है वही से दूषित रक्त मतलब कुंठित रक्त जिसका प्रवर्तन नहीं होता, मैंने जैसे बताया था ना कि अश्रुग जो जो कि मलिन है पर वो गति गत्यात्मक है, ऐसी अश्रुग की चिकित्सा आपको अगर करनी है ना तो वहां पे रक्त मोक्षण अगर करना चाहो आप तो वहां पे सिरावेदन करना है, क्योंकि सार्वदेहिक है और गत्यात्मक है, उसको पकड़ना अलग। पर जहां पे शोणित जैसा और मलिन हो चुका है जो कुंठित है वैसे रक्त की चिकित्सा अगर आपको करनी है तो वो प्रच्छन्न से करनी पड़ेगी, एक जगह पे जो कफ दूषित
रक्त कुंठित है, एक जगह पे जमा हुआ है, उसे निकालने के लिए प्रच्छन्न, प्रच्छन्न मतलब आप वहां पे क्रश करते हो वहां की लोकल धातु को, तो इस तरह से प्रच्छन्न कर्म करना है तो वो वहां से होगा। पित्त की चिकित्सा जब आप करते हो तब आपको जलोका का यूज करना है। अलाबू भी उसी तरह से काम करता है, कफ दूषित रक्त को वायु को, अलाबू कपिंग जो करते हैं तो वहां से वायु वाला रक्त बाहर निकलता है, और सिराविधन सार्वदेहिक रक्त को रक्त मोक्षण में यूज होता है। जी, प्रत्येक चीज को अलग अलग तरीके से आपको सोचना है, उसके पीछे का थॉट क्या है। अभी हमारी दो दिन पहले बात हुई थी शायद, तब मैंने बताया था कि वैद्य के पास आप अगर सीखने जाते हो तो टेबल के उस पर सिर्फ नजर नहीं लगानी है कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखा है, वो क्यों लिखा जा रहा है, ये आपको सोचना है। रक्त मोक्षण करना है वो तो कोई भी कर देगा, अपने कंपाउंडर को बोल दो वो भी सिरावेदन कर लेगा। अभी तो ज्यादा वो मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है, पर आपको सोचना है कि रक्त मोक्षण कहाँ पे कौन सा प्रकार हम अप्लाई करेंगे। सिर्फ सिरावेदन ही हर बार करें क्योंकि वो इजीएस्ट है, ये नहीं करना। और सिरावेदन भी जो हम अभी करते हैं ओपीडी लेवल के ऊपर वो आईवी सेट से होता है, मैंने भी किया हुआ है अभी भी, अभी एक पोस्ट आपने देखी थी वो जुगलर वेल से किया आपने जी सर। हाँ, पर वो भी एक्चुअल सिरावेदन नहीं है। सिरावेदन में कोई भी प्रकार के ऐसे आईवी सेट वगैरह की यूज हम नहीं करते। सिरावेदन में रक्त का प्रवर्तन स्वतः होता है और स्वतः ही रक्त बंद होता है, वही सिरावेदन जिसमें ऐसे हम गुजराती में पिचकारी बोलते हैं, उसके क्या बोलते हैं, धार होना रक्त का जी, वो शुरू होना चाहिए तुरंत और खुद ही वो बंद होती है, उसी को हम सिरावेदन, सिरा का वेदन कर्म करना वो बोलेंगे। बाकी जो है वो कन्वीनियंट मेथड है आईवी सेट से करना। बहुत सारे वैद्य सर मस्तिष्क से सिरा से भी वेदन करते हैं डायरेक्ट, वो पिचकारी वाला जो बोला। मेरा थीसिस वही था, ग्लोकोमा, ग्लोकोमा में कपालगत सिरावेदन जी। तो सर ये सब चीजों की वजह से ही रक्त को अर्ध चिकित्सा माना जाता है, मतलब बताया सुश्रुत जी ने। डेफिनेटली मैंने बताया ना, सुश्रुत का अप्रोच ही इसी तरह से रहा है कि रक्त की चिकित्सा करो, और आधी चिकित्सा रक्त की सिरा मोक्षण बता दी उन्होंने कि सिरा वेदन अर्ध चिकित्सा है, क्योंकि मोस्टली सुश्रुत के जितने भी व्याधि बताए गए है वो सभी रक्त से ही शुरू और तुमसे शुरू तुमसे खत्म, ऐसा है एकदम बराबर। सर जो क्वेश्चंस पूछे थे बहुत सारे लोगों ने उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम। okay. एक क्वेश्चन ऐसा था सर, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी हमारे स्टूडेंट हैं वो मॉडर्न कोरिलेशन बहुत बार करते हैं सभी कंसेप्ट का आयुर्वेद के, तो एक भाई ने पूछा था कि सर ब्लड और रक्त में डिफरेंस बताइए। ग्रॉस डिफरेंस उतना बहुत सारा है लेकिन जो कंसेप्चुअल डिफरेंस है तो एक बार सर उस पर प्रकाश डालिए थोड़ा। देखिए जब भी आप कंपैरिजन करना चाहो तो मेरी ये सलाह है सभी को कि जब भी कंपैरिजन करना चाहो ना सिर्फ शब्द के ऊपर ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ो। जैसे हम स्कूलिंग में करते थे डिफरेंस और सिमिलैरिटीज पढ़ते थे तो चार्ट बना देते थे कि ये है ये है ऐसा है, तो इस तरह से जब आप पढ़ते हो ना तो ब्लड और रक्त में जिसने भी ये कंपैरिजन या जिसने जिसका भी ये क्वेश्चन है ना उसने ब्लड तो पूरा पढ़ा होगा पर रक्त नहीं पड़ा है, बराबर। तो जब भी आप ऐसी कंपैरिजन करो ना तो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ो, उसके जितने जितने रेफरेंस है वो भी अच्छे से पढ़ो। रक्त जो है ना वो रक्त धातु है पहली बात, तो जो धारण करती है वही धातु कही जाएगी, तो रक्त धातु, तो जिसका स्वरूप भी बताया तपने इंद्रिय गोपा वो फिर सन्निभम गुंजा फल सवर्णम ऐसे जो भी बताए गए हैं वो भी अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग वर्ण वाले बताए हैं, तो वो जो उसका स्वरूप है वो सब आप चीजें अगर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लड अलग है और रक्त अलग है। ब्लड की जब आती थी मतलब हम जो रक्त मोक्षण भी करते हैं उसमें भी जो पूरा परिभ्रमण होता है पूरे शरीर में जिसे हम सिरा से निकाल रहे हैं वो उसको हम ब्लड कंपोनेंट बोलते हैं, बराबर है, जिसमें सेल्स भी रहते हैं
प्लाज्मा भी RBC, होता है, WBC सभी रहता है उसमें। सब सब कुछ रहता है, बराबर है। जब उसमें कुछ भी बढ़ जाता है वो भी रक्त में, विष द्रव्य भी रक्त में आते हैं। तो ये इतना कुछ एक्यूमुलेटिव पूरा बना हुआ संयोग है, उसी को हम ब्लड बोलते हैं। उसी तरह से रक्त भी, रक्त धातु अलग है जो परिभ्रमण कर रही है, उसमें विशेषतः रक्त धातु होती है, पर उसमें रस भी होता है, उसमें लसिका भी होते हैं, उसमें क्लेद भी होता है, उसमें मेद भी होता है। बाकी के आगे की धातुओं को पूरा जो पोषण देने वाला जो भाग होता है वो सभी होता है। इसीलिए वो रक्त धातु सिमिलर है या रक्त धातु ज्यादातर है, विशेषतः रक्त धातु है, पर बहुत सारे कंपोनेंट भी है। जैसे मैंने बताया कि रक्त सर्वदेहिक है, उसमें वायु भी होगा, उसमें पित्त भी होगा, उसमें कफ भी होगा, और जो कुछ भी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे खुद के लक्षण भी देता जाएगा। तो रक्त जो दिख रहा है वो रक्त धातु है ऐसा नहीं है। जैसे कि पंचेंद्रिय का सिद्धांत आप पढ़ोगे तो आकाश, या फिर अभी पार्थिव द्रव्य की बात हम करेंगे तो पार्थिव द्रव्य जो अभी दिख रहे हैं आपको, ठोस दिख रहे हैं, वो विशेषतः पार्थिव है, उसमें पार्थिव महाभूत की विशेषता है। जैसे कि 50% पार्थिव द्रव्य और एक अस्थमांस, वन हाफ जो है वो बाकी के महाभूत पार्थिवता रहेगी, बाकी का 1/8 जो है वो आकाश रहेगा, वायु रहेगा, जल रहेगा, अग्नि रहेगा। ऐसे सर्वद्रव्यम इदम पंचभौतिकम, सब कुछ पंचभौतिक है, विशेष अरे अलग से कोई एक महाभूत आप लेने जाओगे, आकाश जो दिख रहा है वो आकाश महाभूत ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम बैठे हैं वो खवेगुण्यता, अरे सॉरी अलग अप्रतिकारत्व मिलता है, अप्रतिघातत्व मिलता है, तो वो आकाश महाभूत है यहाँ पे, ऐसा नहीं। आकाश वायु सब यही पे है, वो पंचभौतिक ही है, उसका अलग स्वरूप नहीं है। उसी तरह से रक्त भी वो कंपोनेंट में है, वो अलग अलग तरीके से अलग दिखता नहीं है, रस भी है उसमें। आई होप मैंने पूरा प्रयत्न किया है इस सवाल को पूरा आंसर। सर जैसे कि अभी शरद ऋतु चल रहा था तो बहुत सारे पेशेंट का रक्तमोक्षण किया मैंने, तो उसमें लोग पूछते हैं कि सर रक्तमोक्षण हम करवाते हैं तो दूषित रक्त बाहर निकालते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि जो दूषित रक्त है वो अग्र भाग में रहता है वो निकल जाता है, तो लोग बोलते हैं कि सर ब्लड डोनेशन भी तो करते हैं हम साल में, तो सर ब्लड डोनेशन में और रक्तमोक्षण में बेसिक डिफरेंस जो है लोगों को बताइए थोड़ा सा। सर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और इसके आगे का एक क्वेश्चन मैं और खुद ऐड करता हूं कि रक्तमोक्षण करके हम रक्त को निकाल देते हैं, जबकि ब्लड डोनेशन जब करते हैं ना तो वो किसी और को चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है, बराबर बराबर है। तो आपने अगर अपने दोष खुद निकाले हुए हैं तो ऐसा ब्लड किसी को क्यों चढ़ाएंगे हम, एकदम बराबर बराबर है। रक्त मोक्षण जो करते हैं ना उसमें सब क्रियाएं की जाती है, सबसे पहले अभ्यंग स्वेदन किया जाता है जिसको यूजुअली सभी वैद्य स्किप करते हैं, पेशेंट आया है। करना है हाँ, अगले दिन उसको पिछिल अन्न देना है, वो सब सब, और स्वेदन कर्म, स्वेदन कर्म होने से जो पसीना निकलता है ना वो सूखा भी ना हो तब सीरा मोक्षण करना है, क्योंकि सुश्रुत बताते हैं कि सीरा जो है ना वो मछली की तरह होती है, उसे पकड़ना मुश्किल होता है, स्वेदन से वो आगे आ जाती है और रक्त परिभ्रमण बढ़ जाता है, इसीलिए सीरा मोक्षण या सीरा वेदन करना इजी हो जाता है। इसीलिए अभ्यंग करने के बाद तुरंत ही रक्त मोक्षण वहां पे कर लेना चाहिए, पसीना सूखे उससे पहले। तो ये रक्त मोक्षण है, उसमें हम दूषित रक्त निकालते हैं, और रक्त की अरे सॉरी शरीर की ये प्रकृति है कि वो जीव रक्त को कभी नहीं निकालेगा। हंस वाला न्याय है वो मेंशन किया हुआ है कि जो दूषित रक्त है ना वही सबसे पहले निकलेगा, आप कहीं से भी देख लो। और इसका तो लक्षण आप सिरावेदन करते हो ना, जैसे मैंने बताया कि आईवी सेट से नहीं, पर सिरावेदन आप करो ना तो रक्त खुद स्वतः शुरू होता है, ब्लड डोनेशन अरे सॉरी रक्त सिरावेदन, रक्त का निर्गमन खुद शुरू होता है, जैसे ही जीव रक्त निकलना शुरू होता है तभी रक्त सिरावेदन स्वतः ही बंद हो जाता है। सिर्फ निडल से ही करना चाहिए, निडल से करते हैं ना तो हमें बंद करना पड़ता है,
निडल हमें निकालनी पड़ती है, तब तक वो शुरू रहता है। तो हमें रक्त का ऑब्जर्वेशन करना है कि वो ब्लैकिश निकल रहा है, अब वो फ्रेश आना शुरू हुआ तो अब निकाल लेते हैं हम। यही सिंपल हम खुद लॉजिक लगाते हैं। बाकी उसका प्रमाण भी दिया है कि एक प्रस्थ तक निकले तब तक वो नॉर्मल है जी। पर शिरावेदन जब भी आप करते हो ना किसी ऐसे ऑर्गन की जगह से, मतलब ऊर्ध्वांग का शिरावेदन करते हो, तो हार्डली 10 से 20 या 30 ml तक ब्लड निकलता है, तुरंत बंद हो जाता है। क्यूबाइडल में से जब करते हैं और गृदेसी या फिर वात रक्त के लिए पैरों से करते हैं, तब कुछ ज्यादा 100-150 ml तक ब्लड खुद से निकलता है, क्योंकि वो सिराएं बड़ी होती है इसीलिए। जी सर। एक सर हमारे व्यूअर है भूषण जी, उन्होंने पूछा है कि नेत्र रोगों में रक्त का एक्सप्लेनेशन कीजिए। सभी जो नेत्र रोग होते हैं ना, वो रक्त को मद्देनजर, रक्त की वजह से ही होते हैं। सिरा अनुसारी भी दोषे विगुणे रुर्ध्व भागते जायन्ते नेत्र भागेशु रोगा परम दारुणा। ये सुश्रुत का रेफरेंस है उत्तर तंत्र का। सिरा अनुसारी, तो पहले तो सिरा को समझना चाहिए हमें, और सिरा में से क्या वहन हो रहा है। जैसे हम अभी कंपैरिजन की बात चल रही थी, तो हमने जो कंपैरिजन किया हुआ है उसमें सिरा का कंपैरिजन वेन से किया हुआ है, जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसा हम पढ़ते आए हैं। पर ऐसे नहीं, सिरा का मतलब अलग है। सिरा का मतलब शरणातिथि सिरा, जिसमें शरण होता है, वो किसी का भी हो पर शरण होना चाहिए। धमनात धमनी, जिसमें धमन हो प्रेशर के साथ, पल्सेशन होते हुए जिसका भ्रमण होता है, वो होती है धमनी। और शरणार्थ सिरा, जिसमें कि बैक प्रेशर की वजह से, शरण मतलब आपने एक जगह पे पानी फेंक दिया और वो खुद ही खुद से ही फ्लो में, आपने जो फेंका वो खुद के फ्लो में ही वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, कोई प्रेशर नहीं पर खुद से ही, तो वो होता है शरण। तो इस तरह से जिसमें शरण हो रहा है वो सिरा। तो ये सिरा की संप्राप्ति जहां पे ऐसा रक्त बढ़ रहा हो, या ऐसे सभी दोष सिरा अनुसारी होके ऊर्ध्व भाग में नेत्र में स्थान संचय करते हैं, तब वहां पे नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं। ये नेत्र रोग की पहली सबसे सामान्य संप्राप्ति। अब आया रक्त का रोल। रक्त ही क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रक्त एकमात्र ऐसी धातु है जिसमें दूसरी धातुओं को या किसी को बिगाड़ने की या फिर दूषित करने की कैपेसिटी है, इसलिए रक्त को कई जगह पे दोष की संज्ञा दी हुई है। तो रक्त ही ऐसी एक चीज है जो व्हीकल की तरह काम करती है, किसी भी चीज को मूवमेंट देने के लिए जैसे वायु की जरूरत रहती है, उसी तरह से रक्त भी सर्वांग सर्व शरीर अनुसारी है और सर्व शरीर में ले जाने का काम, किसी को भी, दोष हो, धातु हो, पोषण हो, कुछ भी, प्राण हो, जीव हो, जीव को भी रक्त ही ले जाता। रक्तम जीवेति स्थिति, जीव को ले जाने का काम। और जीव मतलब मस्तिष्क में है या फिर हृदय में है या फिर कोष्ठ में, ऐसा नहीं, जीव सर्व शरीर है, यहाँ पे भी जीव है, इसीलिए यहाँ पे मेटाबॉलिज्म चल रहा है, यहाँ पे भी अग्नि का काम चल रहा है, बराबर है। तो ये सभी को ले जाने का काम रक्त करता है, इसीलिए रक्त से ही बाकी की सारी संप्राप्तियां भी बनती है। तो नेत्र रोगों की संप्राप्ति भी इसी को आभारी है और इसी वजह से ये नेत्र रोग होते हैं जी। और एक हमारे व्यूअर का सर क्वेश्चन था कि स्किन डिसीज में रक्त की संप्राप्ति के बारे में। ये ना बहुत ही सर्कुलर जाने वाला प्रश्न है। कुष्ठ की बात जब भी होती है ना, तो जैसे कुष्ठ कुछ जगह पे आप पढ़ोगे ना, तो उसकी सारी ट्रीटमेंट कुष्ठ व्याधि में आप कर लो, आपको रिजल्ट कभी कभी मिलता है, कभी कभी कुष्ठ में संशय रहता है, कभी कभी नहीं मिलता, और वहां पे हम उसे पाप कर्म मान के छोड़ देते हैं कि वो अब ठीक नहीं होगा। पर कभी भी हम ये नहीं करते कि हम चलो कुछ थोड़ा शास्त्र अभ्यास कर ले और एक बार देख ले। कुष्ठ के बारे में पढ़ो और बहुत सारे ऐसे अध्याय जिसमें रक्त की बात है, बराबर है। तो रक्तज व्याधि पूरा जब पढ़ो, मतलब मैंने अभी बताया कि रक्तजन तम विधावेद, तो सारी कुष्ठ की चिकित्सा कर ली, नहीं समझ में आया, आगे जाके बाकी के अध्याय पढ़ो तो होता है। तो कुष्ठ पढ़ लिया,
अब विधि श्रोणी थी में जाओ, पूरा मैं सर्कल जो बता रहा हूँ वो देखो, रक्त की उत्पत्ति फिर से अभी जो बताई वो याद कर लो एक बार कि कहां से उसकी उत्पत्ति होती है। कुष्ठ, उसके बाद आप पढ़ोगे विधि श्रोणी थी, तो विधि श्रोणी थी जब पढ़ते हैं ना तो विधि श्रोणी थी में पूरा ये एक रेफरेंस आया था कि कुरिया श्रोणित रोग श्रोणित रोग रक्त पित्त हरि क्रिया। तो रक्त पित्त हरि क्रिया मतलब अब हमें जानना है रक्त पित्त चिकित्सा में, रक्तपित्त चिकित्सा जब पढ़ते हैं तो वहां पे रक्तपित्त की चिकित्सा करने के लिए क्या बोला है कि रक्तपित्त की चिकित्सा करती है करनी है पित्तज कुष्ठ के तरफ जी। अभी आओ फिर से कुष्ठ में, पित्तज कुष्ठ की बात आई और पित्तज कुष्ठ पढ़े तो वहां पे आता है कि पित्तज कुष्ठ की चिकित्सा वात रक्त के हिसाब से करनी है, वात रक्त। अभी पढ़ना शुरू करो फिर से वात रक्त, वात रक्त हो जाओगे तो वात रक्त के एक वाग्भट का रेफरेंस भी है वहां पे कि वात रक्त के भी फिर दो प्रकार है, ऊर्ध्वा उत्तान और गंभीर। और गंभीर तो उत्तान जो है ना, उत्तान जितने भी वात रक्त है उसमें स्किन के रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, वहां पे उत्तान जो धातु है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो स्किन के रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होते हैं वहां पे, इसलिए वाग्भट ने बताया है कि वात रक्त के पूर्व रूप जो है वो कुष्ठ के जैसे होते हैं जी। अभी वात रक्त की चिकित्सा पढ़ो तो वात रक्त की चिकित्सा में आता है कि सभी वात रक्त की चिकित्सा व्यात व्याधि की तरह करो, और वात व्याधि में जाओ, ये पूरा सर्कल है, वात व्याधि में जाओ और व्यात व्याधि की चिकित्सा पढ़ना शुरू करो तो वहां पे जो भी चिकित्सा बताइए वो वहां पे बताया है कि वात व्याधि की चिकित्सा वात व्याधि में वात रक्त और शुक्र की तरह करो, शुक्र की चिकित्सा वात व्याधि की चिकित्सा ऐसे, रक्त और शुक्र की चिकित्सा। तो मतलब कहां पे आ गए हैं, फिर से हम आ गए ओरिजिन से, शुक्र जहां से शुरू हुआ था वही से कुष्ठ की संप्राप्ति हमें गोल 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 घुमा रही है और संहिताकारों ने भी हमें गोल गोल गोल। तो ये बिल्कुल पूरी संप्राप्ति, आप अगर कुष्ठ की बात करो तो वो कुष्ठ पूरा रक्त के इर्द गिर्द घूमता रहता है, इसीलिए कुष्ठ में रक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन से ज्यादा आउट तो नहीं चला गया ना? नहीं नहीं सर, एकदम परफेक्ट यही है। था ना क्वेश्चन? एक हमारे हमारे भाई साहब ने एक कोई तो भी एक बहुत बड़ा लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में उन्होंने लिखा है कि देना सही है या नहीं है, एचबी बढ़ जाता है इंस्टेंटली फिर कम हो जाता है। देखिए सुश्रुत और चरक दोनों का रेफरेंस ये है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, बराबर, लोहितम लोहितेन वृद्धि समाने सर्वेशा सर्वेशा। तो समान गुण के समान धर्म के जो भी गुणधर्म द्रव्य आप देके उसकी वृद्धि, एक्यूट कंडीशन में ही हम रक्त का ट्रांसफ्यूजन देते हैं, पहले के जमाने में ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कंटामिनेशन का भय रहता था इसीलिए वो ऐसे रूट से देते थे कि जो मल है वो बाहर निकल जाए या फिर हमारा शरीर उसे एडेप्ट करे। इसलिए सुश्रुत क्या बताते हैं कि जब भी रक्त क्षय हो ऐसी एक्यूट और जीव की जीव बचाने की स्थिति में आपको लोहितम लोहितेन इसको ध्यान में रखते हुए पेशेंट को यकृत खाने के लिए देना है, और चरक भी सेम मानते हैं इसीलिए वो रक्त की बस्ती वगैरह देने का बताते हैं और रक्त ही लेने के लिए बोलते हैं। अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड को कंपोनेंट मैच करके ग्रुप मैच करके देख के अलग अलग कंपोनेंट प्लाज्मा वगैरह जो 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 हाँ सब कुछ देख के एडवांस हो चुका है, इसलिए तुरंत रक्त सीधा आईवी सेट से चढ़ाते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सारे आते हैं। मुझे लगता है उनका उनको समाधान हो गया होगा आपके आंसर से। आई होप टू। जी सर, तो और भी आप सबके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन जरूर सर तक पहुंचाऊंगा या आप सर को खुद डीएम कर सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कोई भी डीएम करे ना, कोई भी डीएम करे ना तो सिर्फ हाई लिख के छोड़ मत देना सवाल पूरा लिख लेना ताकि मुझे पता चले कि इसको रिप्लाई देना है या नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना हाई लिख के बंद कर देते हैं, फिर रिप्लाई क्या करें हम, क्या काम है वही पता नहीं चलता।
हाय लिखने वाले क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन लिखने के लिए नहीं हाय करते, वो दूसरी चीज के लिए हाय करते होंगे। तो सर हमने जी रक्त के बारे में सर पूरा उहापोह किया, रक्त की उत्पत्ति, उसके सिनोनिम, उसकी संप्राप्ति।